Good morning to all of you. Before going to start anything in your syllabus, I'd like to say something about previous classes. Corona ke, lockdown ke thik pahle, maine already teach kiya tha matrix, determinant, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तीनों टॉपिक में पढ़ा दिया था 20 मार्च तक। ठीक है, हम लोग 5 फरवरी को सिलेबस स्टार्ट किए थे, 5 फरवरी से 20 मार्च तक हम लोग ये 3 चैप्टर एक एक क्वेश्चन हर बुक के अबाउट बनाए थे हम लोग। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन का हम लोग ने थ्योरिटिकल पार्ट किया था, थ्योरी पार्ट किया था, इसमें क्वेश्चन नहीं बनाए थे हम लोग, तब तक लॉकडाउन हो गया। उसके बाद मैं बोला कि ये फेस टू फेस फिर आएंगे क्लास में, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू टॉपिक में, जो बताया था 1 वीक पहले से कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूँगा, बट हेल्थ प्रॉब्लम के चलते नहीं स्टार्ट कर पाया। ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं इसको 11th क्लास में, और हम लोग वहाँ पर इसको सॉल्व किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल सिलेबस में 11th के है, 12th में नहीं है, लेकिन कभी कभी वो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड, दोनों बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है प्रिंसिपल मेथड से। तो इसके पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेज दिया हूँ ऑलरेडी, इसका उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर। मैं पहले बताया कि हम मेरे पास ना बोर्ड की व्यवस्था है और ना मार्कर की व्यवस्था है, यहाँ पे मैं खुद ही लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैंने क्या किया कि नोटबुक को बढ़ाने की कोशिश किया। और एक क्वेश्चन बोर्ड पर अगर नोटबुक हम बनाने लगते तो क्लास 2-3 घंटा का हो जाएगा, पता चलेगा कि टॉपिक फिनिश हुआ। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको पहले भेज दिया हूँ, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो उसमें देखिएगा ध्यान से, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब बात कर रहे हैं फर्स्ट, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले, ताकि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, एक्स के पावर एन का डीसी एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे बाय प्रिंसिपल मेथड से। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डीसी ऑफ एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कह रहा है, फाइंड द डीसी ऑफ एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने क्या किया, फर्स्ट लेट वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन, क्या किया हम लोग इसमें, क्या करते हैं प्रोसेस में, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना होगा तो क्वेश्चन देगा 4 मार्क्स का, अदरवाइज 3 मार्क्स का, जो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि लेट वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन, लेट वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन इक्वेशन मान लिए 1, मीन्स वाट जो हमको प्रूफ करना है उसको पहले वाई के फंक्शन में लिखा, वाई के फॉर्म में एक्स के पावर एन इक्वेशन नंबर 1, फिर इसमें हर क्वेश्चन में लिखेंगे स्टेटमेंट, लेट डो एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डो वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। जितना क्वेश्चन प्रिंसिपल मेथड बनाएंगे सब में स्टेटमेंट लिखा रहेगा, देन फिर क्या होगा, अगर मैंने डो वाई को माइनर चेंज किया और डो एक्स को मेजर चेंज किया एक्स में और डो वाई को माइनर चेंज किया वाई में, तो लिख सकते वाई प्लस डो वाई इक्वल टू एक्स प्लस डो एक्स का होल पावर एन, जो था वहाँ एक्स पर रख दिया एक्स प्लस डो एक्स, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर हम लोग 2। याद होगा 11th क्लास में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया हूँ टॉपिक को। अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, इक्वेशन 2 से, तो वी गेट क्या, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई प्लस डो वाई माइनस वाई, वाई प्लस डो वाई माइनस वाई, एक्स प्लस डो एक्स पावर होल पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन, देन व्हाट विल हैपन, वाई वाई इट विल बी कैंसिल, देन एक्स प्लस डो एक्स का होल पावर एन माइनस एक्स टू पावर एन, इन डाउट दैट व्हाट विल हैपन, डो वाई इक्वल टू एक्स प्लस डो एक्स का होल पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन इक्वेशन नंबर 3। नाउ जस्ट रीड, वी नो बाय डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन जनरल टर्म, हम लोग क्या देखते हैं डेरिवेटिव या डी वाई बाई डी एक्स को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लिमिट के फॉर्म में, तो क्या देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डो एक्स टेंस टू 0 डो वाई बाई डो एक्स, ये हम लोग लिखते हैं, ये पढ़े हम लोग 11th क्लास में ये टॉपिक, कि डेरिवेटिव को हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं,
dy by dx को लिमिट dou x टेंड्स टू 0 dy by dx, इसको मैंने लिख दिया फोर्थ। ये हम लोग ये स्टेटमेंट हम लोग वहां पे पढ़े हैं, डिफाइन किए इसको 11th क्लास में, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। उसका क्या किया कि जो इक्वेशन मेरा 4 था, dy का वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 3 से, उसको पुट कर दिए कहां पे, इक्वेशन 4 में dy के जगह पर। क्या देखते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, वी गेट इक्वेशन 4 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, dy / dx एंड dy / dx इक्वल टू लिमिट dou x टेंड्स टू 0 और dy क्या था, x + dou x का होल पावर n माइनस x की पावर n बाई डो एक्स। एंड आउट जो वैल्यू डो वाई का हम लोग निकाले थे इक्वेशन 3 में, वही जस्ट पुट कर दिए किस में, इक्वेशन 4 में। इससे हमको क्या मिला, अब हम लोग क्या देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे x दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो लिखते हैं कि x प्लस डो एक्स आर टेंस टू x, तो इसमें भी x प्लस डो एक्स के पावर n माइनस की पावर n जैसे था न्यूमरेटर में वैसे ही रहने दिए। डिनोमिनेटर डो एक्स में क्या किया मैंने, x ऐड कर दिया और x सबट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिल गया हमको, क्या हो गया n x के पावर n माइनस वन, यही हम लोग को फाइंड करना था। लेकिन ये क्यों किए हम लोग, इसके पीछे रीजन था कि हम लोग लिमिट में पढ़े थे कि x के पावर n माइनस ए टू पावर n बाई x माइनस ए इक्वल टू आट n a के पावर n माइनस वन, कब, जब x टेंस टू a, तो यहाँ पे हमने क्या किया x प्लस डो एक्स टेंस टू x, यहाँ x की जब कौन है ए का रोल निभा रहा एक्स, तो मैंने क्या किया एक्स के पावर ए, एक्स की जगह क्या था एक्स प्लस टू एक्स और टेंस टू एक्स, सेम टू सेम प्रोसेटिंग कर दिया हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या मिल गया एन एक्स के पावर एन माइनस वन। क्यों हम लोग लिखा इस फॉर्मूले के चल, इसलिए हमको क्या मिल गया, वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई का वैल्यू क्या मानते हैं एक्स पावर एन, रख दिए एक्स पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन, सही है, ये फॉर्मूला हमको प्रूफ हो गया क्यों हम लोग किए थे इस मेथड से। एनी डाउट, और आपको इस पर डाउट हो तो एक बार फिर वीडियो पूरा देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो मेरी वीडियो कॉल कर सकते हैं आप या नॉर्मल कॉल कर सकते हैं।